बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सैयद या हुसैन। एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आज श्रीलंका में जनाब इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, और आज पड़ोसी मुल्क भारत में यूट्यूब चैनल जो है वो खामोश है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब इस इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान को ग्रुप मैच में भारत के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा था, तो वहाँ पर टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही थी और पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम को लेकर, उसके सिलेक्शन को लेकर बड़ी गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन आज बड़ी खामोशी है और खामोशी की वजह है जनाब पाकिस्तान इमर्जिंग क्रिकेट टीम की गैर मामूली कारकर्दगी। और आज उन्होंने जो है वो 2007 चैम्पियंस ट्रॉफी की याद ताज़ा कर दी, और इत्तेफाक से उस चैम्पियंस ट्रॉफी में विकेट कीपर सरफराज अहमद कैप्टन थे, यहाँ पर आरएस कैप्टन है, और वहाँ पर जनाब फखर जमान ने सेंचुरी स्कोर की, यहाँ पर तैयब ताहिर ने सेंचुरी स्कोर की, वहाँ पर भी ओपनर्स ने पाकिस्तान को बड़ा अच्छा आगाज फराहम किया था, यहाँ पर भी साहबजादा फरहान ने और साहिब अयूब ने बड़ा शानदार आगाज फराहम किया। वहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग कराई थी और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो वो ओवल था और ये कोलंबो है, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरी बार पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो चुका होगा, मजा तो ऐसे ही लग रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है जनाब ये कामयाबी इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि श्रीलंका आने वाले दिनों में जो है वो एशिया की क्रिकेट सरगर्मियों का बड़ा मरकज बना हुआ होगा, क्योंकि 2 तारीख को कैंडी में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का एक मुकाबला है, और फिर इसी कोलंबो में आई थिंक मेरा ख्याल है कि 9 या 10 तारीख को पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम अगर सुपर फोर मरल में आती हैं तो यहाँ मुकाबला करेगी, फाइनल में पहुँची तो फिर यही फाइनल होगा। तो श्रीलंका में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपनी होम सीरीज भी खेलेगा। लेकिन फिलहाल जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है जनाब पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान ICC टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। और 2018 के बाद मैदान सज रहा है सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड कोलंबो का, और 2018 का मतलब यह है कि 5 साल से इस मैदान पर जो है वो टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई, 4 साल के बाद यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट होने जा रही है। और कोविड की वजह से जो क्रिकेट की सरगर्मियों का श्रीलंका में मरकज था वो जनाब गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था, और पाकिस्तान ने जब लास्ट टाइम श्रीलंका का दौरा किया था तो दोनों टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम जो है वो गोल में ही खेली थी। इस बार पाकिस्तान की टीम जो है वो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है कोलंबो में। जब दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए लास्ट ईयर पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरा था तो वहाँ पर भी श्रीलंका 1 डाउन था, यहाँ पर भी श्रीलंका 1 डाउन है। इस मैदान पर जो सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड कोलंबो है, श्रीलंका की टीम ने जो आखिरी 6 टेस्ट मैच खेले हैं वहाँ पर 3 जीती है 3 हारी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करता हूँ तो आखिरी 4 टेस्ट मैच में पाकिस्तान फतह से दूर था, 2 ड्रॉ हुए थे, 2 पाकिस्तान हारा था। श्रीलंका की टीम जो है वो 2 टेस्ट मैच जीती हुई थी और पाकिस्तान के खिलाफ वो हार गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इस दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है। जो जनाब हमने अपने जराए को चेक किया है जो पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी जो थे वो कोलंबो में मौजूद थे पाकिस्तान इमर्जिंग क्रिकेट टीम की फतह को सेलिब्रेट करने के लिए, और टॉप ऑफ द लिस्ट शाहीन शाह अफरीदी थे जो कि श्रीलंका के बैट्समैनों के लिए एक बार फिर चैलेंज होंगे कोलंबो में। अब देखना यह है कि कोलंबो की पिच के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर लाइट सा टर्न होगा, तो बाजार ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अबरार और नुमान के साथ जाएगा। नुमान ने अपना केस जो है वो बॉल की सेकेंड इनिंग में 3 विकेट की परफॉर्मेंस के साथ खासा मजबूत किया है, और इस मजबूती के बाद कहा यह जा रहा है कि जनाब हसन अली शायद कंसिडरेशन में है, बट हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक नुमान का हसन के साथ कोई मुकाबला नहीं है और पाकिस्तान टीम में कोई बदलाव नहीं आ रहा। एक राय यह भी थी कि रिजवान जो कि पहले टेस्ट मैच में भी एज ए बैट्समैन कंसिडर किए जा रहे थे, लेकिन शान ने ब्रिलियंट 80+ कर दिए थे श्रीलंकन बोर्ड प्रेजिडेंट 11 के खिलाफ हम्बन ट्यूटा में, उन्होंने अपना केस मजबूत कर लिया था। अब फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 39 क्विक रन किए, सेकेंड इनिंग में वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन फिलहाल एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है यहाँ पर कालीन लपेटने वाली बात नहीं है। सऊद शकील के लिए ये टेस्ट मैच जैसे एतबार से अहमियत का हामिल है कि ये उनका 7वां टेस्ट मैच है। जो 6 टेस्ट मैच सऊद शकील खेले हैं उसकी 2 इनिंग में कम अज कम 1 मरतबा उन्होंने 50+ रन स्कोर किए हैं, तो ये एक वो तारीख रकम करने जा रहे हैं। अगर कोलंबो की किसी एक इनिंग में उन्होंने 50 कर दिया तो वो दुनिया के
गालिबन वाहिद बैट्समैन बन जाएंगे जिन्होंने अपने पहले 7 टेस्ट मैचों में 50 जरूर किसी एक इनिंग में स्कोर की है। और वैसे भी किस्मत उनके साथ थी, कोलंबो में उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए और श्रीलंका की क्रिकेट टीम जो है वो दबाव में। और श्रीलंका की टीम में एक तब्दीली की बाजगश्त है, बाकी श्रीलंका की टीम जो है वो किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इससे बेहतर पाकिस्तान के पास कोई मौका नहीं होगा सीरीज को अपने हाथ में करने का, सीरीज को जीतने का। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप में जो 3 अवे और 3 होम सीरीज पाकिस्तान को खेलनी है, तो ये सबसे आसान अवे सीरीज है पाकिस्तान की, क्योंकि अगली 2 सीरीज पाकिस्तान की, एक तो चंद महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया में है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर के एंड में पाकिस्तान की टीम 2 टेस्ट या आई थिंक मैं कल 3 टेस्ट मैच खेलने साउथ अफ्रीका जाएगी। तो ये 2 टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के लिए जो माजी के रिकॉर्ड हम देखते हुए इतनी आसान नहीं है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान ड्राइविंग सीट के ऊपर है, 1 अप है, और पाकिस्तान अगर यहाँ टेस्ट मैच जीता तो न सिर्फ ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंच गया बल्कि पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट हो जाएगा। बट उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस जो है वो जनाब आसमान की बुलंदियों को छुएगा, क्योंकि आने वाली क्रिकेट पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेलनी है। श्रीलंका एशिया की क्रिकेट की सरगर्मियों का मरकज होगा। पाकिस्तान जिस तरह मैंने आपको बताया कि आइंदा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के साथ वनडे सीरीज खेलेगा श्रीलंका में, फिर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान अपना एक मैच मुल्तान में खेलेगा, एक लाहौर में खेलेगा, और बाकी मैचेस जो है वो पाकिस्तान को खेलने हैं कहाँ, पाकिस्तान को खेलने हैं श्रीलंका। तो अगर पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करती है श्रीलंका में, तो डेफिनेटली एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट और अफगानिस्तान के खिलाफ जो वनडे सीरीज है वो पाकिस्तान के लिए अहमियत की हामिल होगी। अहमियत की हामिल तो जनाब पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए भी ये दूसरा टेस्ट मैच होगा, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम को इस टेस्ट सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की गोल्ड टेस्ट मैच है, तो एक तो मैं वीडियो भी कर चुका हूँ इस हवाले से कि जो पाकिस्तान की टीम के बैट्समैनों का एटीट्यूड था, पाकिस्तान की टीम के बैट्समैनों का खेलने का अंदाज था, अल्लाह से दुआ है कि जनाब यही अंदाज हम फॉलो करें सेकेंड टेस्ट मैच में भी। और विकटें गिरी लेकिन हमारे बैट्समैनों ने स्कोर बोर्ड को चलाया, और जो ब्रिलियंट फील्डिंग एफर्ट थी पाकिस्तान की कप्तान बाबर आजम की स्लिप में, वो इसलिए ज़्यादा अहमियत की हामिल थी कि जो एशिया की पिचेज हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा उछाल नहीं है, उनके अंदर इतना बाउंस नहीं है, तो आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है एशिया में कैचेस को लेने के लिए, ज़मीन से बॉल को उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ऐसे मौके नहीं आते, लेकिन ओवरऑल जो स्लिप के फील्डर्स हैं उनको सीने के करीब ही बॉल मिलता है, लेकिन एशिया में ऐसा नहीं होता। और हमने पहले टेस्ट मैच में देखा कि बाबर ने ब्रिलियंट टेक किया। फिर विकेट कीपर सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के तारीख के पहले विकेट कीपर हैं, जिन्होंने एज ए बैट्समैन 3000 रन स्कोर किए हैं, उन्होंने जनाब सेकेंड इनिंग में बड़ा ही गैर मामूली कैच लिया, विकेटों के पीछे वो जितने मुस्तैद नजर आए हैं, आई होप के बल्लेबाजी में भी वो अपना किरदार अदा करें। फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल रहे थे। अशान मसूद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होगा, उनके हवाले से इतला आती है कि वो खेल रहे हैं टेस्ट मैच, तो वो जनाब जो आजकल की जदीद क्रिकेट है खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के हवाले से, जिस तरह पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने फर्स्ट टेस्ट मैच में अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, आई होप के बड़ी इनिंग में शान जो है अपनी इनिंग को कन्वर्ट करें। मामूल हद पर से थोड़ा सा दबाव कम हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर उनकी जो कारकर्दगी है और उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान थे, बट सेकेंड इनिंग में जिस तरह उन्होंने ब्रिलियंट नॉट आउट 50 रन किए, पाकिस्तान को 131 रन के हदफ के ताकुब में जिस तरह उन्होंने कश्ती को नैया के पार लगाया, उनका हौसला जो है वो खासा बुलंद हुआ होगा। तो मिडल ऑर्डर में आपके पास सऊद शकील और आगा सलमान जैसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, तो दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और अब आगा सलमान और सऊद शकील के लिए टेस्ट मैच इस एतबार से अहमियत कामिल है कि अगर वो इसी तरह चिप इन करते हैं, इसी तरह रन करते हैं, तो आगा सलमान तो पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का भी पार्ट है, और वर्ल्ड कप में वो होंगे, एशिया कप में वो होंगे, बट जगह है टीम में मिडल ऑर्डर बैट्समैन के हवाले से। तो सऊद शकील जो पाकिस्तान के लिए 5 इनिंग मैच खेलने का तजुर्बा रखते हैं, अगर जनाब वो इस टेस्ट मैच में रन करते हैं तो डेफिनेटली उनकी सिलेक्शन के हवाले से सोचा जा सकता है, एशिया कप में उनकी किस्मत का जो ताला है वो खुल सकता है, वनडे टीम में उनकी वापसी हो सकती है, बट ऑल डिपेंड कि वो किस तरह सेकेंड टेस्ट मैच में परफॉर्म करते हैं। बॉलिंग में मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह आफरीदी के जो पार्टनर हैं नसीम शाह या नुमान या अबरार, हम किसी तब्दीली के बगैर जो है इनके अलावा कोई टीम में तब्दीली करेंगे। आई थिंक मेरा ख्याल ये है ना पाकिस्तान टीम की कॉल होगी, और पाकिस्तान उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ सेकंड टेस्ट मैच में जा रहा है, यानी इमाम के साथ इनिंग का आगाज अब्दुल्ला शफीक कर रहे हैं, जिनके लिए पहला टेस्ट मैच फील्डर की हैसियत से वो बड़ा शानदार था, बट वो बैटिंग के हिसाब से कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बट उनके लिए अभी बड़ा अच्छा मौका है कि जनाब वो अपने अहतमाद को बहाल करें। नंबर 3 पर शान है, नंबर 4 पर कप्तान बाबर आजम है, नंबर 5 पर सऊद शकील है, नंबर 6 पर आगा सलमान है, नंबर 7 पर आगा सलमान होंगे या सरफराज होंगे,
फिर शाहीन शास्त्री भी हैं, नसीम शाह हैं, अबरार हैं एंड नोमान। तो ये पाकिस्तान की टीम लग रही है मुझे, और जो पाकिस्तान टीम के वो खिलाड़ी जो उस टीम में पाकिस्तान के शामिल हैं, नवाज हो गए या हसन अली हो गए, अबू हुरैरा हो गए या आमिर जमाल हो गए, मुझे नहीं लग रहा कि इनको जनाब बारी मिलने वाली है और इनके लिए जनाब ये दौरा पकड़ खेले ही अपने अख्ताम को पहुँचेगा। बट पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है सबसे ज़्यादा कि पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करे और आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के इस दूसरे टेस्ट मैच में जनाब कामयाबी के साथ जो है वो अपनी इस सीरीज को रैप अप करें। तो ये हमारे पास अपडेट थी और हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच सेनाली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड कोलंबो में। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक मैच का पहला बॉल 9 बजे गिरेगा, मतलब पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक 8:30 पर टॉस होगा। एक बार फिर आपको बता देता हूँ जो हमारे पास इतलात है, इमाम के साथ अब्दुल्ला शफीर इनिंग का आगाज कर रहे हैं, नंबर 3 बशान है, नंबर 4 पर कप्तान बाबर आजम है, नंबर 5 पर सऊद शकील है, नंबर 6 पर विकेट कीपर सरफराज अहमद है, नंबर 7 पर आगा सलमान है, नंबर 8 पर नोमान है, नंबर 9 पर शाहीन शाह अफरीदी है, नंबर 10 पर नसीम शाह और नंबर 11 पर है अबरार अहमद। श्रीलंका की टीम में एक तब्दीली का इम्कान, 2018 के बाद कोलंबो का सेनाली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड कोलंबो टेस्ट मैच की मेजबानी करने जा रहा है। आपसे चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान।